रही मेरे व्लॉगिंग चैनल की बात, तो कल सुबह 8:30 बजे उसमें पहला वीडियो आ जाएगा घर में। नेकेड चिकन, ये पूरा का पूरा चिकन का बेस है। सो फाइनली मैं मुंबई आ चुका हूँ और यह है मुंबई का मिड डे न्यूज़पेपर जिसमें मेरा आर्टिकल आया था। थैंक्स टू प्रशांत, उसने ये फिजिकल कॉपी इसकी बचा के रखी थी, संभाल के रखी थी मेरे लिए, तो थैंक्स टू हिम। और रही बात मेरे व्लॉगिंग के चैनल की, तो बहुत हिम्मत जुटा के, बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर मैंने एक नया व्लॉगिंग का चैनल स्टार्ट किया है। इस चैनल पर मैं व्लॉग्स नहीं डालने वाला हूँ, अलग चैनल पर डालूंगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी उसमें कोई वीडियो डाला नहीं है, बट कल सुबह उसमें पहला वीडियो आने वाला है और व्लॉगिंग के बारे में करेंगे इस वीडियो में आगे बात। बट अभी मैंने मंगा रखा है टाको बेल, क्योंकि देहरादून में टाको बेल है नहीं और आज से पहले मैंने कभी टाको बेल ट्राई करा ही नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार। इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है, अब मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं कि स्पेसिफिकली ये टाकोस कौन कौन से हैं, बट मैं आपको यहाँ एक ऑर्डर समरी दे दूंगा विदाउट एनी फर्दर डू। फटाफट से करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। अंदर कैबेज वगैरह है, टमाटोज हैं, इनका हॉट सॉस, जेन्युइनली एक बात बोलूं, मतलब अगर आप टिपिकल इंडियन हो तो ये चीज़ आपने बहुत बार खा रखी होगी अपनी डेली लाइफ में। बेसिकली ये पापड़ है और अंदर ये सारे चाट टाइप है जो हम लोग घर में बनाया करते थे, टोमेटोज अनियन वगैरह डाल के नमकीन के साथ खाते थे, बस इसमें थोड़े बहुत एड ऑन कर रखे हैं, जैसे इसमें मीट है। गुआकामोले, अब मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब ठीक है, ओवर नहीं होगा। भाई साहब ये सॉस है क्या है? ये वाला सॉस है, ये इनका फायर सॉस, बहुत खतरनाक है भाई। टाको बेल से मैंने मंगाया था चोको डिया जिसके अंदर चॉकलेट फिल्ड रहती है, बट ये वो नहीं है, ये उनसे गलती हुई है या जो भी है, इसमें भी अंदर चीज़ वगैरह है, ऐसा कुछ नहीं खास। ₹70 का ठीक है, इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। नेकेड चिकन, ये पूरा का पूरा चिकन का बेस है और अंदर नॉर्मल फिलिंग, लेट्स सी हाउ इट इज। ये बढ़िया लगा, और जो चीज़ बढ़िया लगती है एंड तक बचा के रखना है। रही मेरे व्लॉगिंग चैनल की बात, तो कल सुबह 8:30 बजे उसमें पहला वीडियो आ जाएगा, लिंक उसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत लोग यहाँ मेरे को बोल रहे थे कि रूम टूर रूम टूर, मैं इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि मेरे दिमाग में यही था
कि कोई ब्लॉगिंग चैनल अगर खोलूंगा तो उसमें रूम टूर में अच्छे से दे दूंगा। ये जो पहला वीडियो कल आने वाला है उसमें मैंने थोड़ा सा दे रखा है, जो कोई भी इंटरेस्टेड है उसे देख सकता है। अच्छा सा लग रहा है, सॉफ्ट ब्रेड और अंदर काफ़ी अच्छे से फिलिंग कर रखी है इसमें। यूएस में और मेक्सिको में कई घरों में ट्रेडिशन होता है कि ट्यूसडे को सिर्फ टाकोस मिलते हैं, टाको ट्यूसडे। फूड तो मेक्सिकन ही है, तो यूएस और मेक्सिको में ट्रेडिशन होता है। सुना आपने इसको? द अल्टीमेट चीज़ टाको है। जो इनमें आ रखे ना टाकोस वो अच्छे हैं, बाकी ये ठीक ठाक है। ब्लॉग्स वगैरह बना रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, तो इतना टाइम नहीं मिला एनालिटिक्स चेक करने का, ये चीज़ चेक करने का कि पहले कमेंट किसने किया है किसने नहीं किया है। तो आई एम सॉरी, आज के वीडियो में रीति रिवाज नहीं हो पाएगा। और ये है इनका मैक्सिकन सैलेड, हालापीनियोज हैं, कैबेज वगैरह, मैक्सिकॉन सैलेड 95 रुपीज का, अगर आपके बाइट मेरे जितने हैं। तो 5 बाइट का ये सैलेड, अभी तक बेस्ट मेरे को ये दोनों लगे। आज रात को दोबारा से हमने पार्टी वगैरह में जाना है कहीं, तो मैंने सोच रखा था कि लाइट ही खाऊंगा, बट ठीक है इतना भी लाइट नहीं है। कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है आसपास, बाइट लेके देखते हैं। ये गरम करना पड़ेगा, ग्रिल्ड चीज़ बरीटो गरम करने के बाद अब थोड़ा सा इसमें फील आ रहा है चीज़ का, ऐसा चीज़ पुल। बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। ये एक्सपेरिमेंटल वीडियो है, एक्सपेरिमेंटल इन द सेंस कि क्या इस एनवायरनमेंट में मैं शूट कर पाऊँगा ढंग से या नहीं कर पाऊँगा। तो और सिर्फ ये देखना, और अगर आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा कि अभी परसों ही यहाँ आते ही मैंने सबसे पहले डोमिनोज ही खाया, अदरवाइज आई वुड हैव डन जोइस पिज़्ज़ा टुडे। गर्म, क्लोजअप देता हूँ, ऐसा कुछ है अंदर से। ये मेरा एक्सपीरियंस सुशी वाले एक्सपीरियंस से तो अच्छा है। जो मेरा फ्रेंड है प्रशांत, वो उसने ये बोला है कि भाई साहब ये दोनों ही सॉस ऐसे हैं कल सुबह काम खराब कर देंगे। बट कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और ये देखो, जब तक मैं मुंबई में हूँ
तो मेरा पूरा का पूरा रूटीन ना मतलब तितर बितर हो रखा है। हम रात को 2:30 बजे सो रहे हैं, सुबह 9-10 बजे उठ रहे हैं, बाहर जाना होता है, अब जब बाहर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ खाएंगे भी, तो मतलब ऐसे ही चल रहा है रूटीन। तो मकबैंग्स में मेरे थोड़ी अभी लाइट मील ही चलेंगी मोस्ट प्रॉबेबली। KFC के टक्कर का चिकन है, अगर खाली चिकन चिकन की आटू मतलब मज़ा आ रहा है इसको खाने में। मेरा सेटअप टूर भी मैं उस वाले चैनल पे दे चुका हूँ, ऑल दो आपको चैनल का लिंक अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट उसमें अभी कोई भी वीडियो नहीं डल रखा है। पहला वीडियो मेरा कल सुबह 8:30 बजे ही आएगा, लेट्स सी हाउ इट गोज। बाकी आई गेस दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड आई विल कैच यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन, पीस।